हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ मीठा। तो मीठे में मैं बनाने वाली हूँ खीर, पर यह खीर से मतलब ऐसे सिंपल नहीं। इसके लिए मैंने ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, चावल एकदम छोटे साइज का। इसको हम जोहा चावल बोलते हैं। देखिए, एकदम छोटे साइज का। मैंने बासमती राइस नहीं लिया है। अगर आपके पास ये राइस अवेलेबल ना हो तो आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हम लोग यूज़ करते हैं खीर के लिए। और मैंने यहाँ पर लिया है, ये नॉर्मल जैगरी नहीं है, ये जो डेट्स होता है, डेट्स जैगरी है, जो खजूर होता है उसका गुड़ है। इससे मैं आज ये खीर बनाने वाली हूँ। ये बहुत मतलब इसका स्मेल बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। नॉर्मल जैगरी वाला जैगरी नहीं है। तो चलिए शुरू फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। मैं जिस बर्तन में खीर बनाने वाली हूँ वो मैंने ले लिया है। अभी इसमें मैं आधा लीटर दूध दे दे रही हूँ। मैंने दूध गर्म होने के लिए बिठा दिया है। आपको आप जस्ट एक उबाल आने तक आप चावल दे सकते हो। इसको रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं दूध को। मैंने यहाँ पर जो चावल लिया है इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने कुछ टाइम 5-10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था। ये एकदम छोटा छोटा हुआ होता है ये चावल, देखने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इलायची दी मतलब अभी मैं दूध में 2 इलायची तोड़ के दे देती हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें दे देती हूँ ये चावल। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध में 1 मुट्ठी चावल लिया है, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप 1 लीटर दूध का यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से 2 मुट्ठी चावल लीजिए अपने हाथों के नाप से। अभी इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। मैं इसमें जो गुड़ है, डेट्स का जो गुड़ है, वो एकदम एंड में दूंगी, नहीं तो दूध फट जाएगा। इस गुड़ का यही एक खासियत तो नहीं है, जो भी है मतलब ये चीनी जैसे हम लोग शुगर से जो बनाते हैं खीर वगैरह, वो हम बीच में या फास्ट में दे देते हैं दूध में, लेकिन ये गुड़ एकदम एंड में देना पड़ेगा, नहीं तो दूध एकदम फट जाएगा। ये लगभग 80% तैयार हो चुका है ये चावल को, देख सकते हैं आप। और थोड़ा होना बाकी है, 5-10 मिनट और लगेगा। और इस तरफ मैंने यहाँ पर जो गुड़ लिया था, मैंने इसको गर्म पानी से थोड़ा भिगो के रखा था। देखिए, थोड़ा सा गर्म पानी दे के मैंने रख दिया, इसको बाद में देना है। ये तैयार हो चुका है अभी, और मैंने इसको बनाया है एकदम ही लो स्टीम में, आप देख सकते हैं। इसको हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में मत रखिए, नहीं तो खीर पूरा जल जाएगा। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और अभी ये जो गुड़ है ये मैं दे देती हूँ। ये इसका खास ट्रिक है, नहीं तो गैस बंद करके ये गुड़ देना चाहिए, नहीं तो दूध फट जाएगा। अभी गैस को बिल्कुल भी मत जलाइए। और गुड़ यहाँ पर मैंने लिया है अपने हिसाब से, आप भी ऐसे ही लीजिए,
किसको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। अभी इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए, फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये खीर बनके बिल्कुल रेडी है, दूध बिल्कुल भी नहीं फटा है और लुक्स भी कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा और गुड़ के वजह से थोड़ा सा रेडिश रेडिश हुआ है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ प्लेटिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू किशमिश और आमंड, थोड़ा सा यहाँ पर दे देती हूँ। मैं एक बोल में इसको निकाल लेती हूँ। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा दे देती हूँ आमंड किशमिश, थोड़ा सा काजू। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली पर। खीर तो सब दिवाली पर या कोई फेस्टिव में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और ये मेरा सिंपल सा रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा बना है। और मेरा एक नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट हुआ है, उसका लिंक मैं इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको आज का ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।